कार्यकर्ताओं के जुनून के कारण ये विजय रथ आज और आगे बढ़ा है और विजय भी पहले जो मिली थी इससे अनेक गुना ज्यादा प्रचंड विजय दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने प्राप्त की है जो सच अर्थ में बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हो आप लोग। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली प्रदेश की जनता ने हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के सरकार का जो कामकाज है उस पर एक प्रकार से मोहर भी लगाई है और श्रद्धा भी व्यक्त की है। यह विजय ने इस देश में कुछ साल से एक नकारात्मक राजनीति का नया अध्याय शुरू हो रहा था उसको रोकने का काम किया है। इस विजय ने देश की राजनीति में परफॉर्मेंस की जगह बहानेबाजी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे थे कुछ लोग, उसको रोकने का काम किया है। और इस विजय ने सब चीजों में कुछ न कुछ अवगुण ढूंढकर अराजकता फैलाने का जो एक नया अध्याय शुरू होता था उसको भी समाप्त कर देने का काम ये दिल्ली की विजय ने किया। और मैं मानता हूं दिल्ली की विजय अनेक सालों तक नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टियां और नकारात्मक सोच रखने वाले नेताओं के लिए एक सबक बनने वाली है। जनादेश मिलने के बाद परफॉर्मेंस के लिए पुरुषार्थ करने की जगह बहाने बनाने की जो पॉलिटिक्स होती है इस सोच को भी दिल्ली की विजय समाप्त करने वाली विजय है मित्रों। और इस विजय ने भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदारी बहुत बढ़ाया है। मैं आज चुनाव न लड़ने वाले पार्षद भी यहां बैठे हैं और विजयी हुए हुए पार्षद भी बैठे हैं और हारे हुए प्रत्याशी भी बैठे हैं। मीडिया, अखबार, दुनिया सबके लिए तीनों के बीच में कोई भेद होगा, मेरे लिए तीनों के बीच में कोई भेद नहीं है, तीनों की जिम्मेदारी एक समान है। क्योंकि हमारे पार्षद जो चुनाव नहीं लड़े ये न लड़ाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का था और बड़े मन के कार्यकर्ता का परिचय देते हुए ये सभी पार्षदों ने उसको मनोयोग से स्वीकार कर सबको जिताने के लिए प्रयास किया। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के अलावे कहीं पर संभव नहीं है। इतने सारे लोगों को विश्वास के साथ पार्टी का अध्यक्ष कह दे कि आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है और ये सारे के सारे लोग कार्यकर्ता भाव से जिनको टिकट मिला है उसको जिताने में लग जाए मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं मन से सारे जो हमारे पुराने जीते हुए पार्षद था उनका हृदय से खूब दिल की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं और उनके अंदर के कार्यकर्ता को सलाम भी करना चाहता हूं। और एक नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ, जन समर्थन के मिलने के विश्वास के साथ दिल्ली का यूनिट आगे बढ़े ये आज के समय की बहुत बड़ी जरूरियात है। और दिल्ली के यहां जो पार्षद बैठे हैं, संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं, इन सबको मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, एमसीडी का चुनाव हमारा गंतव्य स्थान नहीं था, हमारा लक्ष्य नहीं था, वो दिल्ली की सरकार बनाने की नींव है, ये समझकर आपने एमसीडी को आगे बढ़ाना।
जो पार्टियां पराजय को भूल जाती है वो पार्टियां अपनी गति को रोक देती हैं। मित्रों, दिल्ली एमसीडी का नया टीम हर क्षण हर पल अहर्निश ये बात को याद रखे कि आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि अगली दिल्ली विधानसभा के विजय की नींव आपके काम से दिल्ली की जनता के बीच में डालनी है। जनता ने जो विश्वास हम पर रखा है वो विश्वास से जैसे फलदार वृक्ष धरती माता की ओर झुकता है, उसी तरह से ये विजय का, जनता के विजय का धन्यवाद करते हुए हम और विनम्र बने और जिम्मेदार बने और जवाबदेह बने और तभी जाकर हमसे जो अपेक्षाएं रखी है मित्रों वो अपेक्षाएं हम पूर्ण कर पाएंगे। हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है, 2014 के चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया तो बाद में देश की जनता ने उनके नेतृत्व को और मोदी जी को एक बड़ा जन समर्थन दिया, बहुत आशाओं के साथ जन समर्थन दिया। और कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं किए थे, मैं भी चुनाव अभियान में बहुत घुमा था, कोई नहीं पूछा था आखिर क्या करते, हम बोलते रहते थे। जनता आंख मूंद कर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही थी, जनता आंख मूंद पर नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर रही थी, किसी ने नहीं पूछा था कि आप देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए क्या करेंगे, आप देश की कृषि को सुधारने के लिए क्या करेंगे, आप बेरोजगार युवाओं को सुधारने के लिए क्या करेंगे, आज झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करोगे, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या करोगे, देश के सम्मान को देश में बढ़ाने के लिए, दुनिया में बढ़ाने के लिए क्या करोगे, कोई हमें नहीं पूछता था। सब मोदी 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 कर रहे थे और वोट भी दे दिए, किसी ने हमसे वचन नहीं मांगा था, ना किसी ने वादा दिया था ना किया था। मगर जब जनादेश मिला और प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने के लिए मीटिंग हुई तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, मेरी ये सरकार बेरोजगार युवाओं को समर्पित सरकार है, मेरी ये सरकार गांव को समर्पित सरकार है, मेरी ये सरकार किसानों को समर्पित सरकार है। मेरी सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का मान दुनिया में बढ़े, इन लचर अर्थव्यवस्था को फास्ट ट्रैक पर लाने की हमारी जिम्मेदारी है। ये सारी बातें जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले भाषण में करी थी और तीन साल बाद, मई में तीन साल समाप्त होंगे, आज पीछे मुड़ कर देखते हैं तो हरेक बुंदू को उन्होंने टच किया है, न टच की सिर्फ टच किया है बल्कि उसका समाधान ढूंढने का सफल प्रयास किया है। जो लचर अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है, ये दुनिया भर के आर्थिक पंडित स्वीकार करते हैं। देश का किसान जिस तरह से बर्बादी की ओर बढ़ा जा रहा था, बहुत सारी चीजें देश के किसानों के लिए करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे ई मंडी के कारण उसको मिलते हुए अच्छे दाम हो, बहुत सारा काम देश की कृषि को एक साथ ऊपर लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से देश के 7 करोड़ युवाओं को रोजगारी देकर
नया रास्ता दिखाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्टैंड अप, स्टार्टअप, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया से के माध्यम से युवाओं को स्किल करकर वैश्विक प्लेटफॉर्म देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। देश के गरीब के घर में, 2 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में बोले चाले बगैर गैस का चूल्हा पहुंचाकर उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश के 7 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को जो ग्रामीण परिवेश से नहीं आते उनको मालूम नहीं होगा ये तकलीफ क्या होती है। मित्रों, कल्पना करो, एक 16 साल की बच्ची शौच क्रिया करने के लिए गांव में जब खुले में उसको बैठना पड़ता है, उसके मन में किस प्रकार का भाव होता होगा, कितनी शर्म महसूस करती होगी। जिसका जीवन अभी शुरू होना है, जिसको नागरिक बनना है, जिसको देश के विकास में अपना योगदान देना है, कंट्रीब्यूशन देना है, उसका आत्मविश्वास ये एक घटना से क्षीण हो जाता था। आज 7 करोड़ घर में शौचालय भेजने से माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। इस प्रकार से सोशल एम्पावरमेंट शायद ही किसी सरकार ने करा होगा। कई सारी बातें हैं सरकार की, मैं बोलना नहीं चाहता अभी क्योंकि आज का विषय ये नहीं, मगर मैं एमसीडी के सारे चुने हुए पार्षदों को कहना चाहता हूं कि कोई भी वचन दिए बगैर और जनता की बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं थी, इनकी तो ऐसी अपेक्षा थी कि सिर्फ एक बोलने वाला प्रधानमंत्री मिल जाए, बस उसकी आवाज सुनने को मिल जाए। ये मौन रहने वाले प्रधानमंत्री से परेशान हो गए थे, उनको लगता था मेरे देश का नेतृत्व कहां गया, दुनिया में कोई इसको सुनता क्यों नहीं है, बस इतनी ही अपेक्षा थी। मगर 3 दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री ने 20-20 घंटा काम करकर, अहर्निश काम करकर, अपनी पूरी टीम को दौड़ाकर, संगठन को दौड़ाकर मित्रों देश के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत की। और मैं कह सकता हूं कि छलांग लगाने का जो स्वभाव है नरेंद्र मोदी ना मोदी का, इसी के कारण आज देश को भी छलांग लगाने का मौका मिला है। मित्रों, मोदी जी चलते नहीं है, दौड़ते नहीं है, एक बड़ी छलांग लगाकर गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इसी तरह से आज हिंदुस्तान दुनिया में बहुत आगे निकल गया है और यह हमारा प्रेरणा स्थान है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता का प्रेरणा स्थान क्या हो सकता है, जनप्रतिनिधि कैसा हो सकता है, सार्वजनिक जीवन में जनादेश मिले और जिम्मेदारी मिले तो किस प्रकार से काम करना चाहिए। जनता के साथ आज भी उनका संवाद है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, सिक्योरिटी से लेकर व्यस्तताओं तक के 50 बाधाओं होने के बावजूद भी, छोटे से छोटा नागरिक उनको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आसानी से संपर्क भी करता है और जवाब भी पाता है और मन की बात से शाबाशी भी प्राप्त कर सकता है। मित्रों, एक भी महीना नहीं है, ये हमारे रामलाल जी के जिम्मे है मोदी जी के प्रवासों के पहले की तैयारी करना। रामलाल जी इतने व्यस्त रहते हैं, वो सोचते हैं कि मोदी जी कितने व्यस्त रहते होंगे। एक भी महीना ऐसा नहीं है जहां देश के कोई कोने में इस देश का प्रधानमंत्री नहीं गया हो। 585 जिलों में से 300 जिलों का उनका प्रवास समाप्त हो चुका है। ये हमारे लिए प्रेरणा का आधार होना चाहिए। राजनीतिक जीवन में शुचिता को पुनः प्रस्तापित करना, सार्वजनिक जीवन की शुचिता को पुनः प्रस्तापित करने की जिम्मेदारी और कोई पार्टी की नहीं है, ना कांग्रेस की है, ना आप पार्टी की है। ये शुचिता को पुनः प्रस्तापित करने की, सार्वजनिक जीवन की समूची, न केवल भारतीय जनता पार्टी की, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। मित्रों, हम ऐसा जीवन जिए कि जो उदाहरण बन जाए
और उसी के कारण बाकी सारे ऐसा जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाए, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है। जब आप आज पार्षद बनकर जा रहे हो तो लोगों की हमारे प्रति अपेक्षाएं हैं, हमारे प्रति अपेक्षाएं ये नहीं है कि हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, हमसे अपेक्षा ये है कि उसके जीवन में बदलाव आ जाए। इसकी अपेक्षा ये नहीं है कि हम लोगों के जीवन में बदलाव आ जाए, उसकी अपेक्षा ये है कि उसके जीवन में बदलाव आ जाए। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने करनी है और आप लोगों की विशेष जिम्मेदारी है। अगर मैं अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद के पार्षदों के साथ बात करता है तो उनकी कम जिम्मेदारी थी, आपकी विशेष जिम्मेदारी है। दिल्ली देश की राजधानी है और दुनिया भर में एक मॉडल कैपिटल कैसा होता है वो बनाने की जिम्मेदारी मेरे सामने बैठे हुए मेरे पार्षदों की है। मित्रों, आपकी जिम्मेदारी है, न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में एक मॉडल कैपिटल कैसा होना चाहिए, उसका सामाजिक ताना बाना समृद्ध बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, उसकी प्राथमिक सुविधाओं से लैस बनाना चाहिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहिए, उसको सभी प्रकार के विवादों से मुक्त कर देना चाहिए, उसके शासन की प्रक्रिया वैज्ञानिक करनी चाहिए, उसके शासन में पारदर्शिता लानी चाहिए, उसका शासन लोकाभिमुख करना चाहिए। ये जिम्मेदारी दिल्ली के नए चुने हुए पार्षदों की, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी की और दिल्ली की जो नई टीम बनेगी वो टीम की है। मित्रों, और मैं मानता हूं और आप सबसे अपेक्षा भी है पार्टी को कि जिम्मेदारी को हमने बहुत बखूबी निभाना चाहिए। मित्रों, ये जनादेश जो मिला है, ये जनादेश कोई छोटा मोटा जनादेश नहीं था। इतनी नकारात्मक राजनीति के बीच में भी आशा का दिया टिमटिमाता रहे, नकारात्मकता की आंधियों में, आरोपों की आंधियों में, अविश्वसनीयता के वातावरण की आंधियों में ये हमारा दिया जो जलता रहा, ये बहुत बड़ी आशा का द्योतक है। मित्रों, पर वो आशा को आपने मजबूत बनाना है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि विजय आपके जीवन में बदलाव के लिए नहीं है, विजय दिल्ली के गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले के जीवन में बदलाव के लिए विजय। और मैं मानता हूं मित्रों कि हमने उसी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक काम करना चाहिए और मुझे भरोसा है आप लोग करोगे भी। आज जब हम सब यहां इकट्ठा बैठे हैं, उस वक्त जो विजय मिली है उसका यश तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली की जनता को जाता है। दिल्ली की जनता के निर्णय के बगैर विजय हो ही नहीं सकती थी मित्रों, मगर मैं दिल्ली के चुनाव के दो ही कार्यक्रम में आया हूं, एक पंच परमेश्वर के कार्यक्रम में आया था और आज आपके कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम में आया हूं, दो ही कार्यक्रम। इसलिए पंच परमेश्वर के कार्यक्रम का आत्मा भी मेरे बूथ का कार्यकर्ता था और आज के कार्यक्रम कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम के अधिकारी भी बूथ के कार्यकर्ता है जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। कितनी भी अच्छी रणनीति हो, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, कितने भी अच्छे प्रत्याशी हो, कितना भी अच्छा संगठन हो, अगर बूथ चुनाव नहीं जीताता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने राजी नाराजगी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हुई हो न हुई हो, अपने मन अनुकूल पार्षद का प्रत्याशी मिला हो न मिला हो, सब भूल भुलाकर बूथ के कार्यकर्ता ने बहुत अच्छे से काम किया और दिल्ली की जनता को मतपेटी तक पहुंचाने का काम किया। ये सभी बूथ के कार्यकर्ता मैं मानता हूं साच अर्थ में ये विजय के अभिनंदन के अधिकारी हैं। केजरीवाल जी भले
इस विजय को ईवीएम के कारण विजय बताए, उनको अगर सच्चा कारण ढूंढना है तो मेरे बूथ अध्यक्ष को जाकर मिल ले, उनको कारण मिल जाएगा। मित्रों, बहुत समय के बाद दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक आत्मविश्वास फूंकने का काम नगर निगम के चुनाव ने किया है, और अगली बार ये नगर निगम के हमारे 5 साल के कार्यकाल के कारण ही हम दिल्ली में सरकार बनाएं। और दिल्ली मित्रों, पूरा देश यहां रहता है, तो दिल्ली का चुनाव वैसे ही रेफरेंडम हो जाता है। यहां केरल वाले भी है, कच्छ वाले भी है, आसाम वाले भी है, कश्मीर वाले भी है, बंगाल वाले भी है, और पंजाब वाले भी है। दिल्ली का मैंडेट का मतलब देश का मैंडेट होता है, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, ये इसका एक सूचितार्थ है। मित्रों, फिर से एक बार मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं ने खूब कुशलता से दिल्ली के चुनाव का रणनीति बनाया, उसका इंप्लीमेंटेशन किया, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद प्रस्थापित किया, सारे पार्षद जिनको टिकट नहीं दी थी उन्होंने भी मैं नहीं तू के मंत्र को चरितार्थ करते हुए दिल्ली के संगठन के कार्यकर्ता कैसे होते हैं इसका एक उदाहरण प्रस्थापित किया, और सारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने मनोयोग से दिल्ली को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बनाने के लिए काम किया। आज मैं इस मौके पर, विजय कुमार मल्होत्रा जी तो हमारे बीच में उपस्थिति है, मदन लाल खुराना जी अस्वस्थ हैं, आज साहिब सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, केदारनाथ जी नहीं है, बहुत सारे दिल्ली के मूल काम की शुरुआत करने वाले कार्यकर्ताओं को भी स्मरण कर आज उन्होंने जो दिल्ली का काम का नींव रखा था आज नई पीढ़ी ने उसको आगे बढ़ाया है, तो ये जीत ये सभी नेताओं को भी समर्पित करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।